वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा डीसीएफ से बदसलूकी करने का मामला, डीसीएफ टी मोहन राज ने कलेक्टर एसपी को लिखा है पत्र और उनकी और स्टाफ की जान को खतरा होने से मांगी पुलिस सुरक्षा। मंत्री अशोक चांदना के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। कार्रवाई नहीं होने तक कलेक्टर की किसी भी बैठक में शामिल होने में जताई है असमर्थता। डीसीएफ द्वारा लिखी गई चिट्ठी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। तो आपको बता दें, बूंदी से खबर सामने आ रही है। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा डीसीएफ से बदसलूकी का मामला और डीसीएफ टी मोहन राज ने कलेक्टर एसपी को पत्र लिखा है, उनके और स्टाफ की जान को खतरा होने से मांगी है पुलिस सुरक्षा। सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ फोनलाइन पर संदीप मौजूद है। संदीप, चिट्ठी लिखी गई है, पत्र लिखा गया है डीसीएफ से बदसलूकी का पूरा मामला, और अपडेट क्या है इस मामले में? अब जिस तरह से कल जो एक पत्र वायरल हुआ था, उस पत्र के वायरल होने के बाद में सभी अधिकारियों से जब पुष्टि की गई है, एसपी से और जब कलेक्टर से बात की पुष्टि की गई है कि अभी उनको इस पत्र के मामले में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, और लगातार जो वन कर्मी इस मामले में जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कार्रवाई की जाए, लेकिन जो बात सामने आई है उसमें ये है कि जो टी मोहन राजे डीएफओ, उन्होंने ये कहा है कि अभी वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अभी उनका कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, और जिस तरह से लेटर वायरल हुआ है इसके बारे में भी अभी उनसे कोई अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ये वन कर्मियों द्वारा मेल किया गया था और अधिकारियों को मेल किया गया है। अभी फिलहाल प्रदर्शन की बात जो सामने आई है उसमें एक आईएफएस लॉबी, जो आईएफएस प्रतिनिधि मंडल है, वो सीएमओ में भी मिलने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कोई आगे की कार्रवाई का यहाँ अभी खुलासा नहीं किया गया है कि आगे क्या आंदोलन रहेगा या किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी। अशोक चांदना का कोई रिएक्शन सामने आया अभी तक? अशोक चांदना जी ने कल अधिकृत प्रेस वार्ता में बयान भी दिया था। उन्होंने कहा लोकतंत्र है, सभी को विरोध करने का अधिकार है और वो विरोध कर सकते हैं, अगर गलत किया है तो उसकी वो शिकायत जरूर करे। उन्होंने कहा कि मैंने जिस तरह से बात रखी है उसमें यही कहा गया था कि आप समय पर कार्य करें ताकि विकास कार्य नहीं रुके, ऐसे में लोकतंत्र का अधिकार है, जो सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। शुक्रिया आपका संदीप व्यास, नजर आप बनाए रखेगा, आगे के अपडेट भी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।